हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर टैन इनवर्स एक्स, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे फंक्शन गिवेन है y इक्वल्स टू ई टू द पावर टैन इनवर्स एक्स, जिसे हमने राइट कर लिया। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हमें ये टर्म प्रूव करना है। देन राइट करते हैं, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज कि आप देख रहे हैं सभी को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इसलिए हमने इस y फंक्शन को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। देन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे e पावर x का फॉर्मूला यूज करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो e पावर tan इनवर्स x होगा एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पे हम tan इनवर्स x राइट करेंगे। अब tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये होगा e टू द पावर tan इनवर्स x इन टू, टैन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देख रहे हैं जो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे सेकेंड टाइम भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इसलिए इसे हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये इंटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स x। यहाँ तक तो हो गया। अब इसे हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट कर लेते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे हम अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसे हम u लेट कर लेते हैं एंड इसे v, एंड प्रोडक्ट रूल आपको पता है, पहले हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सेम राइट कर लेंगे एंड सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx को x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसे हम सेम राइट करेंगे dy अपॉन dx, अब जिस टर्म को हमने पहले राइट किया था अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा बिकॉज की कॉन्स्टेंट टर्म है, प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा इंटू टू एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर टेन एक्स को सेम वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे यहाँ हमने डिफ्रेंशिएट किया था, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं किया, यहाँ पे मैंने पहले दिखा दिया है डिटेल में, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं जो हमें प्रूफ करना है इसे भी देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर लिया, यहाँ तक के टर्म्स तो आ गए, बट आगे के टर्म्स ये तो है ही नहीं इसमें, तो इसे हमें रिप्लेस करना होगा किससे, इस dy अपॉन dx से, बिकॉज आप देख रहे हैं e टू द पावर tan इनवर्स x, सॉरी इस dy अपॉन dx से, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। देखिए ये पहले नहीं पता था हमें कि इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट करना है, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देन आपको समझ आएगा कि इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना चाहिए, ताकि आपको स्टेटमेंट भी तो राइट करना होता है ना। तो e टू द पावर टेन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप देख रहे हैं सेम टर्म यहाँ पे भी है, एंड इसके जगह पे हम dy अपॉन dx राइट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, राइट करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब बस इस इक्वेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पहले जो भी सेम है उसे हम राइट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू पुट नहीं करनी उसे सेम राइट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हम राइट कर सकते हैं 2x dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके हम यहाँ पे dy अपॉन dx राइट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे हमने राइट कर लिया dy अपॉन dx। अब इस dy अपॉन dx को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx माइनस हो जाएगा dy अपॉन dx एंड इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से dy अपॉन dx को हम कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, जब यहां से हम dy अपॉन dx कॉमन करेंगे तो यहां पे बचेगा 2x एंड यहां से होगा माइनस वन एंड dy अपॉन dx कॉमन हो गया इक्वल्स टू जीरो। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को मैच कर लीजिए, दोनों सेम आए हैं, दैट मीन कि हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। जो प्रूफ करना था वो मैंने सॉल्व करके ला दिया। ये क्वेश्चंस प्रूव करने वाले क्वेश्चन केवल देखने में टफ होते हैं, जब आप इसे सॉल्व करने बैठते हो ना तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं होते। बस आप इसे कैलकुलेट करते जाओ, जो भी बेसिक रूल्स हैं, जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं, मेथड्स हैं, आप उसे अप्लाई करते जाओ एंड सॉल्व करते जाओ, ये वैसे ही होते जाएंगे। एंड एक बार आप क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हो देन क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं होता, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। एंड वीडियो अच्छी लगती है देन वीडियोज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।